अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को ख़त्म करेंगे। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं समझने वाली, वो ज़रा हम समझ लेते हैं। थोड़ी सी थ्योरी जो है उसको डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखें, अगर आपके पास एक जनरल ओरिजिन है जिसको हम ओ, यानी जनरल में ओ का नाम देते हैं 0 0, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होगा, एक न्यू ओरिजिन ओ डैश जो हम खुद बनाएंगे, जिसका नाम हम खुद रखेंगे, उसका नाम ओ डैश होगा। तो इसमें जो हमारे पास ऑर्डर पेयर था वो 0 0 नहीं होगा, यहाँ पे वो कोई पॉइंट्स होंगे, क्योंकि आप एक्स वाई प्लेन के अंदर आ चुके हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह की कंडीशन होगी कि ये आपके पास ओल्ड ओरिजिन है जिसका नाम आपने ओ रखा हुआ, ठीक है। तो ये एक न्यू ओरिजिन बन गई है। अब ये क्या होगी, ओ डैश होगी। अब ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जहाँ पे भी ओ डैश, इसके जो पॉइंट है उसका नाम एच और के होगा, यानी कि वो कोई ना कोई पॉइंट होंगे, 0 0 नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। इसका फार्मूला क्या है, मैं आपको जस्ट फार्मूला बताता हूं, आपके क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएंगे। तो देखें, ये है आपका फार्मूला। अगर आपने उसमें से एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है न्यू ओरिजिन का, तो उसका फार्मूला है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स वाई, सिस्टम जो होगा ना ये कैपिटल एक्स वाई, ये न्यू होगा, ठीक है। न्यू सिस्टम यानी कि न्यू ओरिजिन जो होगी उसके बारे में बताई जा रही है। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, ये एच क्या है, एच आपके पास वो सेंटर है, ठीक है। और कैपिटल वाई इक्वल टू वाई माइनस के, यहां पे के आना है, तो कैपिटल वाई इक्वल टू वाई माइनस के। अगर वो आपको कहे कि मैं ओरिजिन दे रहा हूं, एक पॉइंट दे रहा हूं, तो कैपिटल एक्स वाई फाइंड करें या न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके पॉइंट फाइंड करें, तो ये फार्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। ये है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ये जो फार्मूला हमने डिस्कस किया है, उस फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 1। द टू पॉइंट्स पी एंड ओ डैश, पी, ये पी जो कहा जा रहा है बेटा, ये पी आपका ओरिजिनल जो सिस्टम था ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये वो पी है, एंड ओ डैश ये न्यू ओरिजिन है, आर गिवन, ये हमें गिवन है इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए गए हैं आपको। फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, अपने कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ऑफ पी रेफर टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस ओ डैश एक्स एंड ओ डैश वाई। न्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमने ओरिजिन न्यू बनाई है, ट्रांसलेशन की है, उसके मुताबिक वो आपने पॉइंट फाइंड करने हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2, 3 और 4, ये तीन पार्ट शामिल हैं स्मार्ट सिलेबस में, तो हम करते हैं पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, मैंने आपको फार्मूला जो है वो पहले ही बता दिया, अब थोड़ी सी जो मैं डिस्कशन कर देता हूँ। देखें, कैपिटल एक्स जो था वो किसके बराबर था, एक्स माइनस एच के, और कैपिटल वाई जो था वो था वाई माइनस के। अब इसमें जो आपका कैपिटल एक्स जो है, ये एक्स वाई, ये तो हैं आपके न्यू वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने न्यू बनाया होगा, ये वो हैं। इसमें जो स्मॉल एक्स वाई हैं, ये पी पॉइंट जो होगा ये उसके ऑर्डर पेयर होंगे, जो हमें वो पॉइंट दिया गया पी, और ये जो है आपके पास बाकी एच और के हैं, ये आपके पास होगा ओ डैश, ठीक है। ओ डैश यानी कि जो आपने न्यू ओरिजिन बनाई है उसका सेंटर, जिसका नाम हमने क्या रखना है, एच और के। तो अब इसको याद रखिएगा, और ये जो होगा ना, ये एक्स कैपिटल एक्स वाई, ये हमें अभी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, कैपिटल एक्स वाई फाइंड करें। तो ये मैं सिर्फ आपको शो करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। हेयर स्मॉल एक्स इज इक्वल टू -2, स्मॉल वाई इज इक्वल टू -6, दोनों आपके पास हैं, और स्मॉल एच इज इक्वल टू -3, स्मॉल के इज इक्वल टू 2। कैपिटल एक्स वाई फाइंड करने, तो एक्स इज इक्वल टू, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, जवाब क्या आया, 1। इसी तरह वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के, तो वैल्यू पुट कर दी बेटा, तो जवाब क्या आया आपके पास, 4। तो कैपिटल एक्स वाई जो है वो क्या निकले, पॉइंट पी 1 एंड 4, कैपिटल वाई। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, बिल्कुल यही चीज, पहले आपने वैल्यू लिख लेनी है, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, एच एंड के, जो आपके पास ओरिजिन का पॉइंट था, फिर कैपिटल एक्स वाई फाइंड करना है, फार्मूला लिखेंगे,
कैपिटल एक्स इज इक्वल एक्स माइनस एच माइनस सिक्स एक्स की वैल्यू, फिर दरमियान में माइनस और फिर एच की वैल्यू माइनस फोर, ये दोनों वैल्यू पुट कर दी, ये एच की और के की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, जवाब आपके पास आया माइनस का टू। और इसी तरह जब आप वाई को सॉल्व करेंगे तो माइनस एट, वाई की वैल्यू माइनस एट, दरमियान में माइनस और दूसरी वैल्यू किसकी है के की, वो क्या है माइनस सिक्स। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया माइनस टू। तो कैपिटल जो एक्स वाई थे वो माइनस टू टू निकले, ठीक है। तो ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल था, और लास्ट जो है पार्ट नंबर फोर ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, बस फर्क इतना पड़ा कि आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू दे दी है, x की वैल्यू है 3/2 और y की वैल्यू है 5/2 और h की वैल्यू है -1/2 जबकि k की वैल्यू है 7/2। वही फार्मूला और उसी तरीके से सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 2 और -1। तो कैपिटल एक्स वाई जो है वो क्या निकला 2 और -1। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो काम क्या है वो देखते हैं। तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट भी सिलेबस में शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, ठीक है, और इसके बाद 4 का पार्ट नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो नई चीज आती है वो आती है रोटेशन। अभी हमने ट्रांसलेशन की डेफिनेशन देखी, अब हम देखेंगे कि रोटेशन क्या चीज है, रोटेशन क्या होता है। हाँ जी, तो हमारे पास है नेक्स्ट रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस कैसे जनरेट होती है, क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं इसके ज़रा स्केच बना दूं कि हमारे पास रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस होगी। हमारे पास जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिनल सिस्टम था, ये देखें डेफिनेशन, लेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बी गिवन, हमारे पास गिवन था, वी रोटेट ओ एक्स एंड ओ वाई, जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसको हम क्या कर लेंगे, रोटेट कर देंगे, यानी कि एक्स एक्सिस इधर आ जाएगा और वाई एक्सिस इधर चला जाएगा। इसको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, फर्ज करें ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस है। तो जब आप इधर ये एक्स एक्सिस में है, इसको रोटेट कर रहे हैं, ये देखें मैं आपको रोटेट करा रहा हूँ, ये सेंटर होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये ऐसे रोटेट करेगा 10 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये मोस्टली ऐसे रोटेट कर रहे हैं। अब ये अगर ये एक्स एक्सिस जो है, ये एक्स एक्सिस इधर आ जाएगा, तो देखें जब ये इतना इधर आएगा तो वाई एक्सिस भी रोटेट होगा ना, वाई एक्सिस कहाँ चला जाएगा, ये भी ऐसे आगे की तरफ चला जाएगा। फर्ज करें हमने एक्स एक्सिस को रोटेट किया है, ये एक्स एक्सिस था हमारा बिल्कुल इधर जीरो पे, ठीक है, ये रोटेट करता गया तो ये पहुँच गया हमारे पास तकरीबन 27, 28, 29, 30 डिग्री पे। तो वाई जो है वो भी तो रोटेट करेगा ना, ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब इसको जब हम 30 पे, ये मैंने हाथ से ड्रा की थी, ये 90, फर्ज करें ये वाई ओरिजिनल आपके पास वाई एक्सिस है, तो ये रोटेट करेगा 30 डिग्री पे, 90 में 30 ऐड करें तो कितना बनेगा 120, लेकिन यहाँ पे आपके पास 120 नहीं बल्कि लेस करेंगे आप तो ये 60 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास न्यू वाई एक्सिस आएगा, ये वाला, तो दोनों रोटेट हो जाएंगे, यहाँ पे एक एंगल जनरेट होगा, उस एंगल, वो एंगल आपको गिवन होगा। अब होगा क्या, असल में क्या होगा, असल में ये होगा कि जो पॉइंट यहाँ पे कहीं गिवन था वो पॉइंट मूव करके आपका इस साइड पे आ जाएगा। उस पॉइंट में दो चीज़ें शामिल होंगी, अगर इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एक्स वाई, तो ये एक्स वाई मूव कर रहा है इधर आ जाए, इसका नाम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई रख लेते हैं, न्यू है ओरिजिन आपकी वही रहेगी, ठीक है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अब इसमें इन्वॉल्व क्या चीज़ है, इसमें इन्वॉल्व है थीटा, थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो थीटा आपको गिवन होगा या आपने फाइंड करना होगा। अब आपसे जो सवाल नेक्स्ट पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आपका जो एक्सिस है वो रोटेट कर रहा है, एंगल ये है, तो बताएं कि जो पॉइंट न्यू जनरेट हो रहा है वो पॉइंट क्या होगा। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारे पास फार्मूले हैं, एक्स स्मॉल एक्स की वैल्यू, अगर आपके पास रोटेशन है तो ये एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये रिप्लेस करके कैपिटल एक्स वाई का फार्मूला, एक ये है और एक ये है, हम मोस्टली जो है वो ये यूज करते होते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्स वाई का फाइंड करने के लिए, रोटेशन फाइंड करने के लिए। इसका रिवर्स भी होगा कि हम ओरिजिनल एक्सिस की तरफ भी जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, अगर वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल होता तो हम स्मॉल एक्स वाई भी फाइंड करते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 है, तो यहाँ पे देखें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड किया जा रहा है, वही फार्मूला
जो नेगेटिव हो रहे थे वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मेन फार्मूला जो है वो ये है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमें फाइंड करना होगा, हमें स्मॉल एक्स और थीटा क्या होगा ये गिवन होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टेटमेंट आपको मैं रीड कर देता हूँ। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल, इंडिकेटेड यानी कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर बताया गया, द न्यू एक्सेस आर ओ एक्स एंड ओ वाई, फाइंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये कैपिटल लिखा हुआ है यानी कि न्यू एक्स वाई आपसे वो डिमांड कर रहा है ऑफ द पॉइंट पी विद द गिवन क्या है आपको स्मॉल एक्स वाई, यानी कि ये स्मॉल एक्स वाई वाले हैं और ये थीटा, हमने क्या फाइंड करना है कैपिटल एक्स वाई। तो देखें थीटा आपको क्या दिया गया है 45 डिग्री और पी पॉइंट जो है वो 5 और क्या दिया गया है 3, पी पॉइंट 5 और 3 और थीटा 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस में है हमने सिर्फ वही करना है, पार्ट नंबर है 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 स्मार्ट सिलेबस में शामिल। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास बेटा वैल्यूज गिवन है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और थीटा इज इक्वल टू 45। फार्मूला मैंने आपको बताया कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या है 5 और वाई की वैल्यू 3, थीटा क्या है आपके पास 45 डिग्री। दोनों को पुट किया साइन कॉस 45 और साइन 45 दोनों 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होते हैं, तो 5 बाय स्क्वायर रूट 2 एंड 3 बाय स्क्वायर रूट 2 ये आ जाएगा 5 प्लस 3 8, 1 बाय स्क्वायर रूट कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लो 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 और बेटा इसको मजीद सिंप्लीफाई किया गया है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है, तो 2 को उसने 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख लिया, एक स्क्वायर रूट से एक स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 4 स्क्वायर रूट 2 आपके पास कैपिटल एक्स निकल आया। सेम इसी तरीके से आपने क्या निकालना है अब वाई। अच्छा फार्मूले में थोड़ा फर्क है वो मैं आपको समझा देता हूँ, एक्स और वाई में जो फर्क है मेन फर्क को देखते हैं उससे आपको ये याद रह जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, फर्क क्या है वो देखें, दरमियान में एक्स के दरमियान में प्लस और वाई के दरमियान में माइनस है, एक्स के पहले एक्स और वाई के पहले क्या है वाई, फंक्शन दोनों सेम है, यहां पे भी कॉस यहां पे भी कॉस यहां पे भी साइन और यहां पे भी साइन। तो ये आप इस तरीके से हिंट के तौर पे याद भी रख सकते हैं कि फार्मूला बेसिक है क्या। तो नेक्स्ट वाई कैलकुलेट करना है, वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3 और थीटा की वैल्यू 45, एक्स की वैल्यू 5 और थीटा की वैल्यू 45, दरमियान में माइनस दोनों की वैल्यू पुट कर दी बेटा 1 बाय स्क्वायर रूट 2, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेंगे कैंसिल होगा, 5 माइनस का है तो माइनस का क्या आ जाएगा 2, माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, माइनस 2 को हम लिख सकते हैं, ये चीज़ बार बार यूज़ हो रही है इसमें आप लोग शायद कन्फ्यूज हो जाएं, तो ये मैं बता देता हूँ। देखिए 2 लिखा हुआ है, अकेला अगर 2 लिखा हुआ है तो हम इसके ऊपर ऐसे तो लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर रूट और उसके साथ स्क्वायर, तो इसको इसका मतलब है 2 टाइम्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसका मतलब फिर, तो इसीलिए जो बार बार वो इस चीज़ को लिख रहा है डायरेक्ट, तो ये चीज़ नीचे स्क्वायर रूट 2 से क्या हो रही है कैंसिल और माइनस का स्क्वायर रूट 2 आपका क्या आ रहा है बेटे आंसर आ रहा है, ठीक है ये देखिए माइनस का 2 स्क्वायर रूट आपका आंसर है। तो ये था पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर सॉरी पार्ट नंबर 2 नहीं है पार्ट नंबर 3 और 4 आई थिंक, हाँ जी पार्ट नंबर 2 और 4 है सही, पार्ट नंबर 2 और 4, पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसी तरीके से है, थीटा यहाँ पे क्या दिया गया 30 डिग्री, तो ये आप मेरे बेटा खुद करेंगे। पार्ट नंबर 4 को देखें, यहाँ पे वो आपसे एक छोटी सी गेम खेल रहा है आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू आर्क टेन 1/3, तो ये क्या है इसका क्या मतलब है पहले इसको देखते हैं। तो आपको जो चीज गिवन दी गई है वो लिखा हुआ ए आर सी आर्क टेन 1/3, ठीक है 1/3, तो इसको जरा समझेंगे क्या है, ये थीटा दिया गया आपको, इसका मतलब है टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3 है, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा 1/3 के, और आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है ये बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉज थीटा के, ठीक है। तो हमने जो चीज निकालनी है वो असल तो है थीटा, थीटा निकालना है लेकिन साथ साइन थीटा और कॉस थीटा भी तो कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्ट साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करेंगे, ये पैथागोरस थ्योरम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं,
टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी इज इक्वल टू वन होगा यहाँ पे, और एच बी इज इक्वल टू क्या होगा थ्री। हमें चाहिए एच, एच कैसे निकाला जाता है बेटा, हाइपोटेनस बी का स्केयर प्लस पी का स्केयर होल का स्केयर रूट, तो वन का स्केयर प्लस थ्री का स्केयर होल का स्केयर रूट इज इक्वल टू टेन आ जाएगा, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू स्केयर रूट टेन, ये आपके पास एच की वैल्यू है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने हैं, तो साइन थीटा क्या होगा और कॉस थीटा क्या होगा, एच आपके पास है, बी भी है और पी भी है, तो देखें साइन थीटा इज इक्वल टू, आपने एंगल के बजाय साइन थीटा निकाल लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन, सॉरी पी ओवर एच, तो पी क्या है आपके पास वन है, ठीक है, और एच की वैल्यू स्केयर रूट टेन। इसी तरह अगर कॉस थीटा कहा जा रहा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बी ओवर एच, यानी कि थ्री बाय स्केयर रूट टेन, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकल आया, अब एक्स और वाई स्मॉल आपको गिवन है, तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिया गया था, मैंने आपको डायरेक्ट बेटा कैलकुलेट करके लिखवा दिया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू स्केयर रूट थ्री बाय टू और साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय स्केयर रूट टेन, टेन सॉरी टू नहीं। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। एक्स क्या है 15, ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 थ्री 45 ओवर स्केयर रूट टेन, और ये क्या था 10 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर स्केयर रूट टेन। तो सिंप्लीफाई कर लिया इसको, एलसीएम ले लिया, स्केयर रूट टेन एलसीएम है, ऊपर क्या आएगा 45 प्लस 10 तो 55, ये निकल आया आपके पास कैपिटल एक्स, ठीक है। इसी तरीके से हमने निकालना है कैपिटल, तो कैपिटल वाई का फार्मूला है वाई इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू 15 है, कॉस थीटा की वैल्यू स्केयर रूट 3 बाय स्केयर रूट 10 और इसकी 1 बाय स्केयर रूट 10, दरमियान में माइनस है, 10 थ्री जै 30, 15 वन जै 15, 30 माइनस 15 तो जवाब आएगा 15 ओवर स्केयर रूट 10। तो ये ही आपका क्या है आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्मार्ट सिलेबस में जो शामिल था, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको थीटा भी दिया गया है और कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, हमने क्या फाइंड करना होगा यहाँ पे स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन है द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल एंड द न्यू एक्सेस ओ एक्स एंड ओ वाई, वो हमें कैपिटल एक्स वाई दिए गए हैं, फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब क्या आपसे फाइंड करवा रहा है स्मॉल एक्स वाई, ठीक है, ऑफ पी विद द गिवन कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब जो ये पी है इसके अंदर जो वैल्यूज हैं ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की हैं, थीटा आपको दिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है सवाल अब हम करने लगे हैं। और इसमें फार्मूला जो यूज होगा वो यही यूज होगा बेटा, इसमें दो इक्वेशंस बनेगी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकालने के लिए, ठीक है, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, पी कैपिटल एक्स वाई है माइनस 5 एंड 3, ठीक है, और थीटा में दिया गया है 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है, तो साइन 30 होता है 1 बाय 2 जबकि कॉस 30 होता है स्केयर रूट 3 बाय 2, दोनों पॉजिटिव हैं, कोई भी यहां पे चेंज नहीं है। अब हमने इक्वेशन हमने लिखी अपनी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हमारे रिक्वायर्ड हैं, ये हमने कैलकुलेट करने हैं जबकि कैपिटल एक्स आपको गिवन था। तो एक्स की वैल्यू माइनस 5, स्मॉल एक्स वैसे का वैसे, कॉस थीटा की वैल्यू स्केयर रूट 3 बाय 2 प्लस वाई साइन थीटा की वैल्यू 1 बाय 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 से पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 10 आ जाएगा, स्केयर रूट 3 के साथ एक्स और वाई सिंगल वैसे का वैसे, इसका नाम इक्वेशन नंबर क्या रख लिया 1 रख लिया। इसके बाद दूसरी जो फार्मूले की लाइन थी वो क्या था, कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। तो स्मॉल वाई वैसे का वैसे, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें स्केयर रूट 3 बाय 2, एक्स वैसे ही रहेगा और साइन थीटा की वैल्यू 1 बाय 2। इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, स्केयर रूट 3 वाई के साथ और माइनस एक्स वैसे का वैसे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन थोड़ा सा चेंज कि एक्स की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, एक्स को उस साइड पे ले जाएं, 6 को इस साइड पे ले जाएं, तो एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट 3 वाई माइनस 6 आपके पास आएगा। इस एक्स की वैल्यू ये आपके पास निकल आई है, अगर आप वाई की वैल्यू पुट कर दें तो इस एक्स की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यानी इधर, ठीक है, इस जगह पे आप उसको पुट करेंगे। तो देखें इक्वेशन, ये पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1,
तो वन में पुट किया स्केयर रूट थ्री वाई माइनस सिक्स, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स के ये मल्टीप्लाई होगा स्केयर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय स्केयर रूट थ्री, तो थ्री आ जाएगा वाई माइनस सिक्स स्केयर रूट थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टेन। हमने कैलकुलेट इसमें से क्या करना था, वाई तमाम वैल्यूज को हम उस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, और थ्री वाई प्लस वाई तो फोर हो जाएगा, ये दो वाई है, ठीक है, थ्री वाई प्लस वाई फोर वाई माइनस के सिक्स के रूट थ्री, तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का माइनस टेन प्लस सिक्स के रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर, फोर ये वाला उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें टू को कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके आपने क्या निकाल लिया, ये y की वैल्यू निकाल ली। अब इसी वैल्यू को जो आपने इक्वेशन नंबर टू में पुट किया तो आपके पास ये वैल्यू पूरी की पूरी इसमें पुट होने के बाद कोई भी चेंज नहीं आएगी, सिर्फ एलसीएम लिया जाएगा और टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स ट्वेल्व, तो ये एलसीएम लेने के बाद y की जो वैल्यू बनेगी और सॉरी x की वो बनेगी माइनस फाइव स्क्वायर रूट थ्री ओवर माइनस थ्री ओवर टू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट नंबर वन। तो स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास जो एक्सरसाइज का जो भी सिलेबस था वो हमने कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 4.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे तो एक्सरसाइज 4.3 हम शुरू करेंगे। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, एक्सरसाइज को अपना कंप्लीट कीजिएगा मेरा बेटा और अपना ख्याल रखिएगा।